सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब एक नया पहलू सामने आया है और ये बात जो सामने आई है वो है रेहा चक्रवर्ती को लेकर। बात दरअसल ये है कि रेहा पर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने FIR दर्ज कराई थी और ये FIR उन्होंने बिहार में करवाई थी। बिहार पुलिस ने इसके बाद तेजी से काम शुरू किया और रेहा से पूछताछ शुरू हो गई। इस पर रेहा ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और ये चीज़ बोली कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप झूठे हैं। बता दें कि उनके पिताजी ने बताया था कि रेहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब सुशांत ने रेहा से ये चीज़ बोली थी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वापस खेतीबाड़ी करने और साधारण जीवन जीने जाना है, तो रेहा ने उनको ब्लैकमेल और धमकी देना शुरू कर दिया था कि वो सबको ये बता देंगी कि सुशांत किस तरीके से मानसिक रूप से बीमार है और डिप्रेशन का शिकार है, और यहाँ तक ये भी बात बोल दी कि ये चीज़ भी बता दूंगी कि सुशांत नशे करते थे। और इस चीज़ ने सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री छोड़ने नहीं दी और ये सब बातें सारी की सारी झूठी थी। रेहा के भाई सुशांत सिंह की एक कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और वहीं रेहा खुद सुशांत की दो कंपनियों में डायरेक्टर थी। रेहा ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए बताया कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही डिप्रेशन के शिकार थे और जो भी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने रेहा पर आरोप लगाया था वो सब झूठे थे। रेहा ने एपेक्स कोर्ट को यह बात बताई कि रेहा और सुशांत सिंह राजपूत एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन जून 8 को रेहा सुशांत का घर छोड़कर वापस आ गई थी। बात बहुत चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि जो रेहा चक्रवर्ती सुशांत की मौत पर एक महीने तक चुप रही थी वो अचानक से एक दिन सुशांत के साथ फोटो डालती हैं और अपने इंस्टाग्राम पर और इंसाफ की मांग करती हैं और साफ बोलती हैं कि ये एक मर्डर था ना कि एक सुसाइड। लेकिन जब आज रेहा पर खुद बात आ रही है तो वो इसको वापस से मौत का नाम दे रही हैं और ये चीज़ बोल रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और नशे के आदि थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ये कहा कि सुशांत किसी भी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो ही नहीं सकते क्योंकि सुशांत मानसिक रूप से इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे और इनके इतने बड़े बड़े सपने थे, किसी को बेफालतू में ऐसा बोलना गलत है। अंकिता ने एक और बात जोड़ते हुए ये बात बोली कि हाँ वो दुखी हो सकते हैं, वो मायूस हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द है। सुशांत, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा लड़का नहीं देखा है who writes his own dreams. उसकी एक डायरी थी, वो डायरी वो बहुत लिखता था। I remember this, you know, जब हम सब पहले रिलेशनशिप में आए थे उसने अपनी एक डायरी लिखी थी सर, उसके 5 साल के प्लान उसमें उसने लिखे हुए थे जिसमें उसको 5 साल बाद क्या करना है, वो क्या दिखेगा, ये सब था। एंड सर एग्जैक्टली आफ्टर 5 years वो सारी चीजें पूरी हो चुकी थी। एग्जैक्टली आफ्टर 5 years आई वाज सी कि सुशांत ने वो सारी चीजें अपने सपने पूरे किए। और जब ये चीज बोली जाती है वो डिप्रेस था, वो डिप्रेशन में था। सच अ रॉन्ग वर्ड टू यू। ही कैन बी अपसेट अबाउट फ्यू थिंग्स, ही कैन बी, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड टू यूज फॉर समबडी अनलेस अंटिल यू डोंट नो द रीजंस, यू नो। बट सुशांत वाज नेवर अ काइंड ऑफ अ गाय जिसको डिप्रेशन हो। एंजाइटी होती है, हम सबको होती है, उसको भी होती थी सर। लोगों को उनको इसलिए याद नहीं करना चाहिए कि वो डिप्रेशन में थे, वो एक हीरो थे और हमेशा रहेंगे।